क्या नाम है पेशेंट का? राधिका जी नाम है। कौन है आपके? मेरी वाइफ है। कहाँ से आते हैं? नारनौल से, हरियाणा। नारनौल में कहाँ से? प्रॉपर नारनौल से। अच्छा, पास में विलेज है मंडाना। मंडाना या? अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफें हो रही थी? डॉक्टर साहब, उनका क्रिएटिनिन रेगुलर बढ़ता ही जा रहा था, 7.25 पे पहुंच गया था, और पूरी रात भर उनके पैरों में बेचैनी रहती थी, सो नहीं पाती थी पूरी रात भर। ठीक है। और फिजिकली बिल्कुल ही मतलब बैड पकड़ लिया था, डॉक्टर ने हमें डायलिसिस की सलाह दी। ठीक है। उनका इससे पहले जयपुर से SDMH हॉस्पिटल दुर्लभ जी से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, एक साल तक हमने वहाँ रेगुलर ट्रीटमेंट लिया। ठीक है। 4 के टेन से स्टार्ट किया था, बट 7.25 तक पहुँच गया था, डॉक्टर ने डायलिसिस की सलाह दे दी थी। अच्छा जी। फिर आपका जब यहाँ से शुरू कराया उसके बाद? आगे डॉक्टर साहब 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैंने 20 दिन के बाद रिपोर्ट करवाया तो उसमें 6.29 के आसपास आ गया था क्रिएटिनिन। अच्छा। अभी 1 महीने और 20 दिन के बाद जब मैंने चेकअप कराया तो 5.25 आ गया। 5.25 जी सर। पहले कितना था? 7.25 डायलिसिस बोल दिया था। यस। अच्छा, तो पहले रेगुलर बढ़ रहा था क्रिएटिनिन? जी डॉक्टर साहब, रेगुलर बढ़ता जा रहा था और वेट भी उनका रेगुलर लूज आ रहा था। 48 kg वेट था और जस्ट 33 पे आ गया, अभी वेट भी बढ़ना शुरू हो गया, 35 तक पहुंच गया जी। पहले रेगुलर बढ़ कम होता था? जी सर जी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। था फिजिकली फिट और हेल्दी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, घर का पूरा काम कर रहे हैं, अभी उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा जी सर, पूरा काम घर का करा रहे हो आप? जी सर। ठीक है। ये इन्होंने टेस्ट कराया डॉक्टर लाल पैथ लैब से, और इसके अंदर जो क्रिएटिनिन आपकी स्टार्टिंग वाला 7.24 था, वो रिपोर्ट है आपके पास अभी? नेक्स्ट टाइम लेके। कहाँ से कराया था वो टेस्ट? SDMH जयपुर। SDMH जयपुर से कराया था। 7.24 क्रिएटिनिन था जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, डायलिसिस इनको एडवाइस कर दिया गया था उस पर्टिकुलर टाइम पे। उसके बाद इन्होंने टेस्ट कराया और क्रिएटिनिन का घट के हो गया 6.24 25/5/2018 की रिपोर्ट है डॉक्टर लाल पैथ। उसके बाद फिर इनका क्रिएटिनिन घट के हो गया 7/6/2018 को 5.29 क्रिएटिनिन घट के हो गया। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स कैल्शियम फास्फोरस सब चीज़ें जो है वो विदिन रेंज आ चुकी हैं। यूरिया भी पहले से काफ़ी कम हुआ है, पहले यूरिया भी बढ़ा हुआ था इनका काफ़ी। क्रिएटिनिन यूरिया में दोनों में गिरावट दर्ज की गई, पहले ये क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता चला जा रहा था। वेट लॉस था पेशेंट को, कितना 15-20 किलो लूज कर चुके थे जी, 48 से 33 के जी आए। 33? यस। रेगुलर हो रहा था? रेगुलर वेट लॉस हो रहा था। जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ रहा था वैसे वैसे वेट लॉस भी हो रहा था। अब क्रिएटिनिन बढ़ा नहीं है, क्रिएटिनिन कम होना शुरू हुआ इनका, किडनी का फंक्शन जो है वो पहले कम होता चला जा रहा था, अब कम नहीं हुआ, किडनी का फंक्शन बढ़ा। आज ये राधिका जी के हस्बैंड हैं जी, प्रत्यक्ष उनके सामने कि किस किस प्रकार से इनको चेंजेस आए और किस किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट्स विजिबल हुई बताते हुए। महेंद्रगढ़ नारनौल से पेशेंट है और उन्होंने लग के फॉलो करा सब चीज़ें और आज डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर है, डायलिसिस की आवश्यकता इनको नहीं है, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लगातार पेशेंट्स को फायदा होता हुआ, किस किस प्रकार से किडनी के पेशेंट किडनी की समस्या से जूझ रहे थे, जो एक गंभीर और समस्या जो है जो तेजी से बढ़ती चली जा रही है पूरे विश्व में, किस प्रकार से उन पेशेंट्स को लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, पेशेंट की जुबानी ही सुन सकते हैं आप। आज राधिका जी के हस्बैंड हैं और भी बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, साथ में रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। रिपोर्ट्स के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर किस किस प्रकार से फायदा हो रहा है, किस किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, किस किस प्रकार से सिम्टम्स डिसअपियर हो रहे हैं, किस किस प्रकार से यूरेमिक चेंजेस आ रहे हैं, यूरेमिक सिम्टम्स जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं, किस किस प्रकार से पेशेंट्स जो है वो ठीक हो रहे हैं और किस किस प्रकार से पेशेंट्स को बेनिफिट हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम से वो लड़ रहे हैं और उसको जीत रहे हैं, उस पर विजयी हो रहे हैं, ये आज एक और पेशेंट के माध्यम से राधिका जी के हस्बैंड महेंद्रगढ़ नारनौल से पता चला हमें। और जितनी खुशी इनको होती है उतनी खुशी हमें भी होती है जब पेशेंट्स स्वस्थ होते हैं और उनको स्वास्थ्य लाभ होता है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। आज देश में
तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 0987171205, 0114264474। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।